पूरे देश में वाल्मीकि समाज के द्वारा गोगा नवमी का त्योहार मनाया जा रहा है, जहां वाल्मीकि समाज के द्वारा छड़ी के निशान के साथ जुलूस भी निकाला जाता है। लेकिन पिछले दो वर्षों से कोरोना के चलते जुलूस नहीं निकाला जा रहा है। वहीं राजमहला स्थित गोगा देव मंदिर पर लीलाधर करोसिया और कांग्रेस के पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के द्वारा पूजा अर्चना की गई और सभी समाजजनों को गोगा नवमी की बधाई दी गई। कार्यक्रम के दौरान गोगा नवमी पर निकलने वाले जुलूस के उस्ताद और खलीफाओं का भी पुरस्कार देकर स्वागत किया गया। वहीं आयोजक लीलाधर करोसिया ने बताया कि हर वर्ष गोगा नवमी पर पूरे शहर में हर घर से छड़ी का निशान लेकर जुलूस निकाला जाता है कि राजवाड़ा पर ये जाकर समाप्त होता है। लेकिन पिछले दो वर्षों से कोरोना के चलते ये जुलूस नहीं निकाला जा रहा और इस वर्ष भी कोरोना महामारी को देखते हुए ये जुलूस कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए गली मोहल्लों में निकाला जाएगा। आज गोगादेव जन्म उत्सव जो इंदौर शहर के हृदय स्थल राजबाड़ा पर, राजबाड़ा से लेकर पंडरीनाथ तक समाज के लाखों लोग इकट्ठा होकर समाज की 23 कॉलोनियों में संपूर्ण घरों पर तालाबंदी होकर समाज का बच्चा बच्चा राजबाड़ा पर एकत्रित होता है और वो त्यौहार हमारा गोगादेव जन्म उत्सव हर्षोल्लास के साथ मनता है। लेकिन पिछले दो वर्षों से कोविड काल के कारण हर समाज, हर धर्म के लोगों के जो जुलूस जलसे हैं उस पर प्रशासन ने रोक लगाई हुई है, तो हम भी प्रशासन के साथ इस कोविड महामारी के चलते अपनी बस्ती में ही हमारे राज मोहल्ला के 10 छड़ी निशान हैं हमारे मोहल्ले में, अपने मोहल्ले की परिक्रमा कर और गोगादेव मंदिर स्थित है मोहल्ले में उस पर सलामी देने के बाद महर्षि वाल्मीकि भवन पर छड़ी निशान यहाँ पर समापन होगा। संपूर्ण भारत में देश काल और परिस्थितियों के अनुसार निर्णय लेता है। वाल्मीकि समाज ने कभी भी अपने देश, प्रदेश और शहर को संकट में डालने की कोशिश नहीं की। हमेशा उसने
उन सामाजिक मूल्यों से समझौता किया जो समाज के हित में होते हैं। कोरोना का संक्रमण काल वायरल फैल रहा है, ऐसे में समाज का ये निर्णय निश्चित रूप से अन्य समाजों के लिए अनुकरणीय उदाहरण होना चाहिए। लेकिन बड़े बड़े महान नेता हमारे देश में, ज्योतिराज सिंधिया, शिवराज चौहान, हजारों की भीड़ इकट्ठा करके